बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार मटन कोरमा की रेसिपी। अपने स्टाइल में बहुत मज़ेदार ये इसकी रेसिपी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट और अपने स्टाइल में। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसके लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। देखिए, वो देख कर ही मुँह में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ज़बरदस्त है। चलिए फ्रेंड्स, की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। इसमें अब मैं डालूँगी कटे हुए प्याज, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 2 मैंने प्याज लिए थे। इनको हमें हल्का सा सॉटे करना है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, ये आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के जो प्याज हैं वो सॉटे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर मैंने यहाँ से काट लिए। अब इसमें डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर के साथ ही असली ये जो कोरमा है वो बनता है, तो ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मटन, बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, ये आप देख सकते हैं इसके इस तरह के पीसेस कटे हुए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, एक दफ़ा आप देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये तो बहुत इजी वे है। बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल है उस तरह का आज हम बना रहे हैं, जिस तरह का शादियों पर मिलता है उस तरह। अब हम इसमें डालेंगे पानी, 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से एक देंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से गला लेंगे। तो तकरीबन 35 मिनट बाद आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ व्यू आ रहा है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो तकरीबन 90% ये गल गया है, अब हम इसे बाकी भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छी तरह से गल गया है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट जो कि है दही। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याली दही, अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया था और फिर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोरमा बनाने में दही जितना ज़रूरी है और टमाटर जितने ज़रूरी हैं, इतनी ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें मैंने डाली है कटी हुई हरी मिर्चें, गर्म मसाला, काली मिर्चें, खुश्क धनिया पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। आप देख ही रहे हैं कितनी इजी ये रेसिपी है और ये तो बहुत मज़े की होती है खाने में। तो इसे हम दोबारा से कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब ये देखिए अच्छी तरह से हो गया। तो अब इसमें मैंने डाली हैं 3 साबुत मिर्चें, ये मैंने बड़ी बड़ी ली हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती और इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। ये देखेंगे मैंने इसमें डाल दी हैं। अब बिल्कुल हमारा ये जो कोरमा है ये डन है, इसको हम देंगे एक लास्ट मिक्स। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए कितना अच्छा इसका जो मसाला है वो बना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अगर आप चाहें तो ये ऑयल निकाल सकते हैं स्पून के हेल्प से, लेकिन कोरमा जो होता है वो असल ऑयल से ही बनता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह ये कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे डिश में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इसका जायका बिल्कुल उस तरह है जिस तरह शादियों पर होटल्स में मिलता है, रेस्टोरेंट स्टाइल है बिल्कुल। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब आप इसके ऊपर गार्निश करेंगे अदरक, ये देखिए मैंने इसे लंबी कटी हुई स्टिक्स में कटी हुई, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अदरक गार्निश कर दिया, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा लग रहा है। कि मैं आपको इसका करीब से भी दिखाती हूँ लुक, ये देखिए बहुत मज़ेदार लग रहा है।
तो फ्रेंड्स आप भी झटपट जाएं ज़बरदस्त सा ये जो मटन कोरमा है अपने किचन में ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपका कैसा बना। आई होप आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।